केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर का दौरा किया। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने उनका स्वागत किया। यहां उन्होंने 2491 करोड़ की 90 परियोजनाओं का उद्घाटन किया। राजनाथ सिंह ने यहां सीमा सड़क संगठन यानी BRO द्वारा विकसित परियोजनाओं का उद्घाटन किया। ये उद्घाटन समारोह जम्मू कश्मीर के सांभा में हुआ। दैविक ब्रिज साइट से कई BRO परियोजनाओं के उद्घाटन पर राजनाथ सिंह ने कहा कि आप सभी जानते होंगे कि अभी हाल ही में इसरो ने शिवशक्ति पॉइंट पर सफल लैंडिंग कर चांद पर भी भारत का झंडा गाड़ दिया है, लेकिन एक समय वो था कि जब इसरो एक सैटेलाइट तक नहीं छोड़ पाता था। हम दूसरे देशों के पास जाकर अपने सैटेलाइट अंतरिक्ष में लॉन्च करवाते थे। इसरो ने शिवशक्ति पॉइंट पर सफल लैंडिंग कराकर चांद पर भी भारत का झंडा गाड़ दिया है, लेकिन एक समय वह भी था जब इसरो एक सैटेलाइट तक भी नहीं छोड़ पाता था। हम दूसरे देशों के पास जाकर अपने सैटेलाइट्स को लॉन्च करने के लिए आग्रह करते थे, लेकिन धीरे धीरे इसरो अपनी मेहनत व लगन से इस काम में इतनी ज़्यादा एक्सपर्टीज हासिल कर ली है, इतना एक्सपर्ट बन गया है कि आज स्थिति पूरी तरह से बदल चुकी है। आज इसरो चांद और मंगल तो क्या सूरज तक अपने हाथ फैला रहा है। आगे केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि BRO ने देश के लिए कई अहम काम किए हैं, जिसमें सीमा के पास सड़क तक बनाना शामिल है। तो सड़कों का जाल बिछ गया, सीमा तक जीरो लाइन तक आज BRO के द्वारा सड़कों का निर्माण हो चुका है। जनरल राजीव चौधरी व्यक्तिगत तौर पर बहुत सहयोग करते रहे और मुझे ये कहते हुए भी हर्ष है कि सेवानिवृत्त होने से पहले उनका एक बड़ा कार्यक्रम और कहीं नहीं हमारे ही क्षेत्र में हो रहा है, क्योंकि यातायात की कोई बहुत ज़्यादा सुविधा नहीं थी, आज वहाँ नेशनल हाईवे निर्माणित हो रहा है। मुझे ये कहते हुए खुशी है और ये हमारी जानकारी में रहे, रिकॉर्ड में रहे कि BRO ने NHAI और NHDL के साथ भी सहयोग किया है। बता दें, सीमावर्ती इलाके जो दुर्गम और कठिन माने जाते हैं, वहां पर भी इंफ्रा डेवलप करना भारत सरकार का लक्ष्य बन गया है। इसमें 13,000 फीट की ऊंचाई पर बनने वाले न्यूम एयरफील्ड भी शामिल हैं। 218 करोड़ की लागत से बन रहे इस एयरफील्ड से फाइटर जेट उड़ान भर सकेंगे और उतर सकेंगे। खास बात यह है कि ये एयरफील्ड LAC से सिर्फ 50 किलोमीटर की दूरी पर है। बता दें, BRO देश के विकास में अहम भूमिका निभा रहा है। BRO ने पिछले 2 सालों में 5100 करोड़ रुपए की लागत से रिकॉर्ड 205 बुनियादी परियोजनाएं देश को सौंपी हैं।